गाइज पीक वीक डे नंबर 2 की सुबह, अभी सुबह के 7:30 बज गए हैं। वहाँ पीछे से सनराइज़ हुआ है और बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंसेस मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। प्रेप के इस पॉइंट के लिए अभी मुझे बहुत ही ज़्यादा फ्रेश लग रहा है। कल रात को हम ऑलमोस्ट 8 घंटों के लिए सोए और आज सुबह 7 बजे हमारी नींद ऑटोमेटिकली खुल गई। और कल जब पीक वीक शुरू हुआ था, जब मुझे ये पता था कि हमारे डाइट से कार्बोहाइड्रेट्स निकलने वाले हैं, तो मुझे एक डाउट आया था कि उससे मेरी स्लीप कैसे अफेक्ट होगी, इफ़ एनीथिंग, क्या वो नेगेटिव होगा, क्या वो पॉजिटिव होगा। कल रात को मैं एक छोटे से 2 साल के बच्चे जैसे सोया हूँ और मुझे इतना फ्रेश आई डोंट थिंक कभी लगा है। यस, अभी थोड़ी सी भूख लगी है पर वो नेचुरल है। हम 11 हफ्तों के लिए एक कैलोरी डेफिसिट और हाई एक्टिविटी, ये सब कुछ सस्टेन करते हुए इस पॉइंट तक पहुंच गए हैं। पर इस हंगर का जो नेचर है वो काफ़ी अलग लग रहा है। यूजुअली जब मैं अपना 200 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स, 70 ग्राम्स ऑफ फैट, 150-160 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, ये मैक्रोज वाला डाइट कंज्यूम करता हूँ, तो मुझे सुबह बहुत ज़्यादा लेथार्जी महसूस होती है। लेथार्जी का मतलब हिंदी में थकावट, फटीग, उन सारे के सिनोनिम्स। पर कल के अगर मैक्रोज की बात की तो हमने 2200 कैलोरीज कंज्यूम किए और उसमें से 70 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स थे, 130 ग्राम्स ऑफ फैट्स थे और लगभग 215 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन था। और ये सब करने के बावजूद हमने कल 21,000 स्टेप्स एज कार्डियो कंप्लीट किए एंड आई एम फीलिंग अमेजिंग राइट नाउ। आज सुबह का बॉडी वेट 66.9 था, जो एक पूरे प्रेप में ऑल टाइम लो है, पर ये भी बहुत एक्सपेक्टेड था। बॉडी से कल बिल्कुल भी कार्बोहाइड्रेट्स ना कंज्यूम करने की वजह से बॉडी धीरे धीरे जो भी वाटर वेट था वो फ्लैश आउट कर रही है। और ये भी एक्सपेक्टेड है कि आज और कल के डाइट लेने के बाद हम और भी फ्लैट होते जाएंगे और एट द एंड ऑफ 3 low days हम आई थिंक मे बी इवन 65-66 की रेंज में आ जाएंगे। पर फिर उसके बाद 3 high days बचे हैं, उनसे हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे कार्ब्स आने वाले हैं एंड आर वेट विल शूट अप और हमारी फिजीक वापस से काफ़ी फुल दिखेगी। आज सुबह ब्रश करते वक्त मैंने अपने फिजीक को देखा और आई डोंट थिंक मैंने खुद को ज़िंदगी में इतना फ्लैट कभी देखा है। जब मैंने पास्ट में 2020 में 7 दिनों के लिए एक कीटो डाइट फॉलो किया था, तो उस टाइम फ्रेम में मेरे पास इतना ज़्यादा मसल नहीं था, इसीलिए फुल फिजीक, फ्लैट फिजीक, ये सारे कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड करने के लिए तब मैं एक बहुत बड़ा नूब था। पर 4 साल हो गया उस पॉइंट से और आई वुड लाइक टू बिलीव कि हमने इन 4 सालों में काफ़ी अच्छा मसल गेन किया है। सो आई एम फीलिंग अमेजिंग। अभी प्री बनाते हैं और जाते हैं आर्यन को पिकअप करने के लिए। आज हम बैक और रेड एड स्ट्रेन करने वाले हैं। आई एम फीलिंग गुड बट आई डोंट वॉन्ट टू स्पीक टू सून, क्योंकि कल मैंने ये नोटिस किया था कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जहाँ पर मेरी एनर्जी बहुत अच्छी थी, फिर राइट आफ्टर ट्रेनिंग वो जो 2-2.5 घंटे थे उसमें मेरी एनर्जी ऐसे ऑल टाइम लो पे थी। मैं बेड पे लेटा हुआ था, मूवमेंट करने का मन नहीं कर रहा था, पर फिर वो वापस ऊपर आई और आई थिंक शाम के 6-6:30 बजे के बाद मेरी एनर्जी बहुत अच्छी रही है। सो फिंगर्स क्रॉस्ड, आई होप आज का दिन अच्छा जाता है। मुझे काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही है, जाके सब कुछ और डिप्लीट करते हैं। और मोस्टली ट्रेन करने के बाद हम जाने वाले हैं हेयर कट करने के लिए, क्योंकि शूट से हम 5 days आउट है और उस शूट से जो भी फ़ोटोज़ आएंगे उसमें मुझे अच्छे से प्रेजेंटेबल दिखना है। और शूट के बारे में जो डिटेल्स है वो मैं आपको जिम में मे बी मशीन रो या कुछ लगाने के बाद बताऊँगा। सो इट्स अ गुड डे, इट्स अ गुड स्टार्ट सनराइज। आई होप ये फ्रेम भी बहुत एस्थेटिक है। लेट्स गो। मसल ब्लेज ने फाइनली एक नई गैलन बॉटल लॉन्च किया है। इस बॉटल के बारे में अच्छी चीज़ यह है कि ये 2 liter कैपेसिटी के है एंड इट हैज़ अ हैंडल, तो इसे कैरी करने में भी काफ़ी आसानी होती है।
इस बॉटल को चेकआउट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहली लिंक को क्लिक कर सकते हो। एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाने के लिए साकेत 30 जरूर इस्तेमाल करना एंड स्टे हाइड्रेटेड। I've always wanted to be friends with them. And this guy's ex, he's so nice. Nah, yeah, okay. Custom silence is happening. मैं बस एक चीज़ देखने के लिए क्यूरियस हूँ। इवन दो हम बहुत डिप्लीटेड है, मुझे आज का ट्रेनिंग परफॉर्मेंस देखना है। यूजुअली जब लोग कार्बोहाइड्रेट्स पूरी तरीके से हटाते हैं तो उनको स्ट्रेंथ लॉस एक्सपीरियंस होता है, और कल जिम में इवन दो हम फुल्ली डिप्लीटेड नहीं थे, कल का चेस्ट डे काफ़ी मुश्किल गया। मुझे वैसे गट फीलिंग आ रही है कि अच्छा ही जाना चाहिए, मैं बहुत अलर्ट अवेक फील कर रहा हूँ। आज के बैक डे का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला, एक वर्टिकल पुल और एक हॉरिजॉन्टल पुल। इन दोनों में से मुझे पक्का पता है कि वर्टिकल पुल के लिए हम लैट पुल डाउन के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। एक वार्म अप सेट हो गया है, हॉरिजॉन्टल पुल अभी अनसर्टन है। वो लैट पुल डाउन के 3 हार्ड सेट्स लगाने के बाद मेरे फोरआर्म्स कितने फटीग्ड है उस पर डिपेंड करेगा। आज हम एज ऑलवेज स्ट्रैप्स लाना भूल गए, अगर स्ट्रैप्स होते मैं डेफिनेटली मशीन रो करता। पर दिस डीप इन टू प्रेप मेरी ग्रिप स्ट्रेंथ भी थोड़ी सी सफ़र कर रही है, इसीलिए लैट पुल डाउन के 3 हार्ड सेट्स लगाने के बाद मुझे जो वर्किंग वेट मशीन रो पे लगाना पड़ता है अपने बैक में अच्छा स्टिमुलस पाने के लिए, उससे मेरी ग्रिप पहले गिव आउट करती है। सो चांसेस है कि हम केबल स्टेशन पे जाके एक 20 केजी की प्लेट अटैच करके वहाँ पर हमारे हॉरिजॉन्टल पुल के लिए थोड़े से केबल रोज लगाएंगे। पर देखते हैं, एक चीज़ जो मैं बहुत नोटिस कर रहा हूँ, अभी मैंने आर्यन को शेक हैंड दिया, अवधूत को दिखाया, मेरे हाथ अभी बर्फ़ है और मैंने प्री लिया है, आई हैव वार्म्ड अप, पर माय बॉडी इज स्टिल नॉट प्रॉपरली जनरेटिंग हीट। सो शायद लो बॉडी फैट परसेंटेज, कम कार्ब्स, इस सारे के सिम्टम्स हो सकते हैं। देखते हैं, मे बी आज पम्प नहीं आएगा, मे बी आएगा, वी हैव टू फाइंड आउट। आर्यन, यू माइट हैव टू, अच्छा लिसन, हेल्प मी आउट टुवर्ड्स द एंड, ओके, गुड रेप्स ओनली, नो नो कम, या ओके, ये पुल इट डाउन, ये 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 नॉट डन येट। Not done yet. Keep pushing. 10 more seconds. Help. Leave. One more. Let's go, bro. Let's go. Peak week. What peak week? Let's go. Let's go. You got this. Yeah. Keep going. You're halfway there. You got this. Keep going. Easy, you don't need me yet. 10 more seconds. Not done yet. Yeah. You got this. One more. 40. 40 done. You got this. 50, easy. Yeah.
got this. Ten more seconds. Yeah. Not done yet. Let's go. Not done yet. Slow negative. Thanks. Good set. मैं कल इसके बारे में थोड़ा सा सोच रहा था. न्यू ईयर्स 2024 को अब ऑलमोस्ट 3 महीने होने वाले हैं, और उस टाइम पे जब न्यू ईयर्स आने वाला था तब सबके अंदर बहुत जोश आता है. सब लोग बहुत सारे न्यू ईयर्स रेजोल्यूशंस बनाते हैं, पर एक महीने के अंदर वो सारा जो टेम्पररी फ्लीटिंग मोटिवेशन था वो चला जाता है, और फिर लोग बोलते हैं कि अगले साल शुरू करूँगा. देखो, फर्स्ट बेस्ट टाइम स्टार्ट करने का तब था, बट द सेकेंड बेस्ट टाइम इज़ नाउ. आपको अपना जो गोल है उसे परस्यू करने के लिए कोई आर्बिट्ररी मैन मेड डेट की ज़रूरत नहीं है. अगर आपको सचमुच कुछ करना है तो आप उस चीज़ को अपना न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन बिल्कुल नहीं बनाओगे. मेरे आई डोंट थिंक कभी न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन रहे हैं. अगर मुझे कुछ स्टार्ट करना होता है मैं तभी स्टार्ट करता हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल, नवंबर एंड के आसपास मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक फ़ोटोशूट के लिए प्रेप करना है. चाहे तो मैं एक महीना उस गोल को पोस्टपोन करके January 1st, 2024 को अपनी प्रेप शुरू कर सकता था, पर दैट इज़ नॉट हाउ आई ऑपरेट. मुझे पता था कि मुझे सचमुच ये फिज़िक अचीव करनी है, और मैंने बस रैंडमली आई थिंक December 4th या December 5th को अपनी प्रेप शुरू की. उसके पहले मैं एक अच्छा कोच ढूंढ रहा था. आई वॉज़ लर्निंग अबाउट हाउ टू डू अ प्रेप, और जैसे ही वो सारी चीज़ें इन ऑर्डर अलाइन हुई मैंने अगले दिन से अपनी प्रेप शुरू की. और दिस जस्ट गोज़ टू शो कि अगर आपको कुछ सचमुच दिल से करना है और अगर आपको वो गोल डियरली चाहिए देन जस्ट स्टार्ट. सेकेंड चीज़, एक डेट चूज़ करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इससे एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट होती है. मैंने जब प्रेप स्टार्ट की मुझे एग्जैक्टली पता था कि प्रेप इस दिन पे शुरू होगी और इस दिन पे ख़त्म होगी. उसकी वजह से प्रोक्रेस्टिनेट करने के लिए एक दो चीट मील्स, एक हफ़्ता चीट, एक हफ़्ता वेकेशन, ये सब करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं था क्योंकि 12 हफ्तों के लिए आई वॉज लॉक्ड इन टू प्रेप. सो अगर आपको फैट लॉस करना है आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप खुद को एक टाइम फ्रेम में लॉक करो, और आपको इसके सारे साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स तभी पता चलेंगे. सो जस्ट स्टार्ट. अभी जिम आने से पहले मुझे एक बंदा मिला था जो आई थिंक 110 kgs के आसपास था, और मेरी प्रेप स्टार्ट करने के पहले वो 92 kgs तक पहुँचा हुआ था, पर उसके बाद वो बस मेंटेन कर रहा था. जब मैंने अनाउंस किया कि मैं प्रेप करूँगा उसने भी डिसाइड किया कि क्यों मैं मेंटेन कर रहा हूँ, आई एम स्टिल सो फार अवे फ्रॉम माई गोल, मुझे भी स्टार्ट करना चाहिए. सो उसने अलोंग माई प्रेप उसकी भी प्रेप चालू की, और वो 92 kgs से 82 kgs तक पहुँचा. इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो इट वॉज़ वेरी नाइस मीटिंग यू, एंड स्टोरीज लाइक दीज रियली इंस्पायर मी. सो कीप पुशिंग. द फर्स्ट बेस्ट टाइम वॉज 1st Jan, द सेकेंड बेस्ट टाइम इज नाउ. Not done yet. Partials. Not done yet. Partials. Come on, last set. Come
Keep going. Yeah, that's good control. Halfway there. Come on. Not done yet. Ten more. Not done yet. Grab this. You have one more. Go. Help. Passion. Yeah. You got this. Go one more. 40. Cross 40. Thanks. Yeah, depleted. So अभी जब आर्यन अपने sets कर रहा था उसको अपने forearms में बहुत pain notice हो रहा था और उसको ऐसा लग रहा था कि beyond 30 seconds उसके back के पहले grip strength give up होने की वजह से set रुक रहा है. अब मुझे जब मैं एक surplus या maintenance phase में होता हूँ usually ये problem नहीं आता. अभी prep की वजह से थोड़ा सा आने लगा है, पर मुझे याद है कि जब मैं 3 years into weight training था तब मैं इस सेम चीज़ से गुजर चुका हूँ. द वे आई कैन एक्सप्लेन इट इज़, जब हम लैट पुल डाउन करते हैं तो हमारी बैक एक ऐसे रेट पे ग्रो होती है जिससे आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ और आपकी फोरआर्म की स्ट्रेंथ कैच अप नहीं कर पाती. दैट्स ऑब्वियसली बिकॉज आपका बैक एक स्लाइटली बिगर मसल ग्रुप है कंपेयर टू समथिंग लाइक द फोरआर्म. एक पॉइंट के बाद जब आपकी स्ट्रेंथ लैट पुल डाउन या मशीन रो पे इतनी बढ़ जाती है कि आप मेरी तरह 96 या 103 पे पहुंचते हो, ऐसे पॉइंट पे सेम रेट पे प्रोग्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल बन जाता है और आप उस रेंज में थोड़ा सा स्लोली +1 +1 ऐसे ऐड करते जाते हो. दैट इज़ द पॉइंट जहां पर आपके फोरआर्म को कैचअप करने का टाइम मिलता है और फिर एक ब्यूटिफुल दिन आता है जहां पर आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ आपके बैक के पुलिंग मूवमेंट से मैच होती है. सो इवेंचुअली वो टाइम आएगा, पर तब तक अगर आप बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हो दैट दे आर बर्निंग एंड गिविंग आउट, आप अपने सारे पुलिंग मूवमेंट्स के लिए स्ट्रैप्स का इस्तेमाल कर सकते हो. पर्सनली मुझे स्ट्रैप्स इस्तेमाल करना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है बिकॉज आई फाइंड इट अ लिटिल अनोइंग. सेट के पहले मुझे सिर्फ सेट अच्छे से करने पर फोकस करना है. अगर मेरे पास स्ट्रैप्स होते हैं तो ऑलमोस्ट 30-40 सेकेंड्स उस बार को रैप अप करने में ही चले जाते हैं. एंड पर्सनली मुझे वो फीलिंग पसंद नहीं है जहाँ पर वेट के बीच में और मेरे बीच में वो स्ट्रैप ऐसे टाइड है. प्लस आई नोटिस कि स्ट्रैप्स इस्तेमाल ना करने की वजह से मेरी ग्रिप स्ट्रेंथ एक्चुअली काफ़ी इम्प्रूव हुई है. सो सी व्हाट वर्क्स फॉर यू. ये बस मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ग्रिप स्ट्रेंथ और पुलिंग मूवमेंट्स के बीच में क्या रिलेशन है. पर बैक के 3 वर्टिकल पुल्स हो गए हैं, 3 हॉरिजॉन्टल पुल्स हो गए हैं, 6 टोटल सेट्स हमने कम्प्लीट किया है. अभी हमें रेड एल्ट के मे बी 2 या मैक्स टू मैक्स 3 सेट्स लगा के अच्छे से पोजिंग करनी है, थोड़े से फोटोज लेने हैं एंड देन वी कैन हेड बैक होम. शो ऑफ करना चाहिए ना थोड़ा. वीक में भी स्ट्रेंथ है. बॉटल पेड एक्टर 40-60 सेकेंड्स एटलीस्ट और उसके बाद थोड़े से पार्शल्स. वेट को कंट्रोल करना. गुड स्क्वीज. स्लो. लेट्स गो. Yeah. Not done yet. Not done yet. What a set. My God. Depleted तो मुझे पर्सनली बहुत लग रहा है. मैंने अपने फिजिक को बहुत एनालाइज किया है. सो फुलनेस नहीं है पर लीन काफ़ी हो गया हूँ. ऐसा लगता है कि फैट और मसल के बीच का जो भी वाटर है वो काफ़ी लूज़ ही है.
अभी हम रेड एल का एक सेट लगाएगा. We've reduced the weight down to 33. So, back के 6 sets, Red Elves के 2. ये है end result. So, personally, बस यहाँ पे खड़ा होते हुए मुझे दिख रहा है कि वैस्कुलरिटी इतनी नहीं है, फुलनेस इतनी नहीं है, बट आई एम रियली होपिंग कि कार्ब अप के बाद हमारी फिजीक उतनी ही अच्छी दिखती है. सो हाई चांसेस है कि बैक के जो सेपरेशन है वो थोड़े से ज़्यादा पॉप होंगे फ्लैट होने की वजह से. इवन ये फेदरिंग दिख रहा है, रेड एल्स अच्छे से पॉप हो रहा है. सो लीन तो डेफिनेटली हुआ हूँ. आज सुबह का बॉडी वेट 66 की रेंज में था. मुझे याद भी नहीं है मैं लास्ट टाइम 66 कब था. आई थिंक 2020 में. पर इस बार हम 66 कम्प्लीटली मसल के साथ है. ठीक है, ट्रस्टिंग द प्रोसेस. पहला पीक वीक है इसीलिए वो अननोन फैक्टर है, वो जो इनसिक्योरिटी रहती है कि सब कुछ ठीक जाएगा कि नहीं. पर मोस्ट लाइकली इस पीक वीक के बाद अगर मे बी मैं 2 सालों के बाद वापस प्रेप करता हूँ तो मेरे पास वो कम्फर्ट होगा कि मैंने पास में ये किया हुआ है एंड आई नो एग्जैक्टली वॉट आई कैन एक्सपेक्ट. थिंक दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. क्लास, वाओ, देखो डेल्ट्स दिखता है ना अवधूत, फ्रीकी असल ना. तो आज का पूरा ट्रेनिंग सेशन ख़त्म हो गया है सिवाय एक चीज़ के. मैं हर ट्रेनिंग सेशन ख़त्म होने के बाद एब्स के लिए एक सेट लगाता हूँ. अब जस्ट बिकॉज एब्स है डजंट मीन कि उनको ग्रो करने के लिए आपको बहुत अलग ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करना चाहिए. मैं एब्स को हर एक मसल ग्रुप की तरह ही ट्रीट करता हूँ. हफ्ते में इन टोटल 7 हार्ड वर्किंग सेट्स हो जाते हैं और सेम प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हैं. बाय दैट आई मीन जब मुझे इस वेट के साथ 60 सेकेंड्स टाइम अंडर टेंशन अचीव होता है मैं ये 2.5 डालता हूँ सो दैट आई कैन गेट क्लोजर टू 40 अगेन. सो मेरे ठीक सामने एक स्टॉप वॉच रहेगा, एक अच्छा स्क्वीज़ पीक कॉन्ट्रैक्शन पे 1 सेकेंड का स्क्वीज़ और स्लो 3 या 4 सेकेंड का इसेंट्रिक बिग स्ट्रेच एंड बैक अगेन. सो इंस्टाग्राम और टिकटॉक की दुनिया में ये बहुत चलता है कि जस्ट बिकॉज एब्स है लोग 10 मिनट सर्किट एब वर्कआउट्स ये सब पोस्ट करते हैं जहाँ पर वो ट्विस्ट करते हैं, बॉल लेते हैं, ये करते हैं. क्या आप अपने चेस्ट या क्वाड्स को ग्रो करने के लिए वो सेम चीज़ें करोगे? नहीं, राइट? और यही रीज़न है कि मेरे एब्स पिछले 3 महीनों में एग्जैक्टली 12 हफ्तों में इतने ज़्यादा हाइपरट्रॉफी हुए हैं. 6 सालों में मैंने उनको बिल्कुल ट्रेन नहीं किया एंड आई स्टार्टेड ट्रेनिंग दैम एट द स्टार्ट ऑफ प्रेप. इवन इन अ डेफिसिट वो इतने ग्रो हुए हैं. तो प्रेप ख़त्म होने के बाद
हम ये सेम चीज़ें कंटिन्यू करेंगे होपफुली हमारे एब्स में एक और अच्छा पॉप क्रिएट करने के लिए। I think I started at 10. You started at 10, but yeah, that was 50. Your first rep was like pura 55, I said. 55 seconds that was. Thanks. Push that little bit. Last set. Aaj nahi bola. Last set. Best set. Let's go home. कर आता नहीं स्की नहीं कर आता नहीं काय म्हणते अरे मी स्वतःला कधी असं बघितलं नाही मी पण नाही जो सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट अभी महसूस हो रही है किसको याद है 84 डेज आउट अवधूत आठवत है इसी मिरर में साइड चेंज दे परत कॅमेरा कट कर ना अजून थोडस मार सिक्स अप इन द एयर कॅच आर्यन आउट ब्रो नॉट चीटिंग चल बाय टॅलेंट टाकू का एक बॉल ऑल राईट पीक वीक का दूसरा दिन अब ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आया है आज का दिन कल से थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा गया शायद इसीलिए कि कल के एक दिन के बाद मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ आज से ये मुझे पहले से ही पता था पर इन स्पाइट ऑफ अस हैविंग 200 लेस कैलोरीज टुडे मैं बहुत ही खुश हूँ कि ये दिन काफ़ी स्मूथली गया दोपहर में अराउंड 2 बजे के आसपास मुझे कल के जैसा ही एक सिमिलर एक्सपीरियंस आया जहाँ पर लंच करने के बाद मेरे एनर्जी लेवल्स आई थिंक 2 बजे से लेके 4 बजे के बीच में बहुत ही लो थे मैं लिटरली बेड पे वहाँ पे लेटा हुआ था और मेरे दिमाग में बहुत सारे फूड ओरिएंटेड थॉट्स आ रहे थे इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि वो जो स्टेट है वो प्रेप के लिए अच्छी नहीं है इसीलिए मैं उठा मैं घर से बाहर निकला और मैं नीचे धूप में जाके बैठ गया और उस छोटे से चेंज ऑफ मूड की वजह से आई फील लाइक मेरी एनर्जी थोड़ी बहुत वापस आने लगी और उसी चक्कर में मैंने आधा घंटा थोड़ा सा वॉक किया थोड़े से स्टेप्स पूरे किए और फिर मैं गया दोराबजीज थोड़ा सा चिकन ख़रीदने के लिए जो हम अभी यहाँ पर प्रेशर कुकर में बॉयल करने के लिए रखेंगे और ये भी फनी है बिकॉज़ जब मैं उस बेड पे लेटा हुआ था मुझे पता था कि घर पे ग्रोसरी ख़त्म हो गई है मुझे पता था कि मुझे ये और दही ये दो चीज़ें लाने के लिए दुकान जाना है पर मेरे दिमाग में आ रहा था कि जेप्टो कर लेंगे यार मुझे हिलना नहीं है मैं एकदम लो पावर मोड में चला गया था
पर इन अ वे दोराबजी जाने का डिसीजन बहुत अच्छा था। जितना समय मैं घर के बाहर स्पेंड कर सकता हूँ उतना बेहतर, क्योंकि बहुत लोग जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं वो इस चीज़ से काफ़ी सफ़र करते हैं। अगर आपके भी ऐसे अलमारियों में बहुत सारा जंक फूड, बहुत सारा नमकीन, ये सारी चीज़ें अगर घर पे स्टॉक्ड अप है, तो वाइल यू आर एट होम इतनी विल पावर लाना कि वो हमारे घर पे है और हम उस फूड में इंडल्ज नहीं कर रहे, ये थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होता है। मैं भी आज ये जो नट्स है ना, मैंने इसके 8 खाए और फिर आई स्टॉप माई सेल्फ, पर लकीली मैं वो भी ट्रैक कर सकता हूँ, इसीलिए मैं वो भी माय फिटनेस पैल के अंदर अच्छे से डालूंगा। पर स्पीकिंग अबाउट टुडेज़ फूड, अभी तक हमने सिर्फ 1200 कैलोरीज कंज्यूम किया है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी 9:30 बज गए हैं, एक बड़ा मील बचा है, पिछला मील करते हुए अब 6 घंटे से ज़्यादा समय बीता है। उसके बीच में हमने वे प्रोटीन का 1 स्कूप कंज्यूम किया, सो ओवरऑल बहुत अच्छा है। और जो भी फ्लैटनेस है, जो भी डिप्लीशन है, वो मुझे अच्छे से महसूस हो रहा है। आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट और नॉट। और सिर्फ पीक वीक के दौरान मैं कोच सर को दोनों सुबह और रात को अपने वेट और अपने मतलब मेजरमेंट्स, प्रोग्रेस फोटोज़, ये सब 2 बार भेज रहा हूँ। और मुझे फैसिनेटिंग किस बात से लग रहा है पता है? यूजुअली जब हम बल्क करते हैं या मेंटेनेंस पे खाते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारा खाना होता है, राइट? तो हम सुबह उठते उठते जो वेट लेते हैं उससे 1 या 2 किलो ज़्यादा रात का वेट आता है। आप नोटिस करो अगर आपने किया नहीं है। अभी मेरा उल्टा हो रहा है, मैं सुबह जिस वेट पे उठा था उस वेट से अभी हम 700 ग्राम्स नीचे है, हमने वेट ड्रॉप डाउन किया है। क्योंकि अभी ऑलमोस्ट कितने 48 आवर्स हो गए हैं कार्ब डिप्लीशन के, इसीलिए ओवर टाइम जो भी वाटर है वो मेरी बॉडी फ्लश आउट कर रही है, एंड उसके ऊपर से हमारा डेफिसिट अभी भी मेंटेन्ड है। सो फैट लॉस प्लस वाटर लॉस की वजह से हम 700 ग्राम्स लाइटर है, तो नया एक्सपीरियंस है। कल हमारा आखिरी डिप्लीशन वाला डे होगा, उसके बाद मस्त कार्ब अप चालू होगा। पर यही है, अभी जब मैं नीचे अपना प्रॉपर कार्डियो सेशन कर रहा था, विच वॉज आई थिंक फ्रॉम 6 PM to 8 PM, तब मैं कार्ब्स को बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहा था। मुझे बस, मैं जो रोज़ खाता हूँ आलू, ब्रेड, ये सारी चीज़ें बस खाने का मन कर रहा था, ऐसे पीनट बटर लगा के थोड़ा सैंडविच, एग सैंडविच, ये खाने का टेम्पटेशन काफ़ी ज़्यादा था। पर द रीज़न कि मैं अपने डाइट पे चीट कभी नहीं करता इज़ बिकॉज, एस्पेशली अगर आपके पास एक टाइम फ्रेम है जो एज आई डिस्कस इन द जिम होनी चाहिए, तो अगर टाइम फ्रेम है तो चीट करने से आप 2 कदम आगे जा रहे हो और 1 कदम पीछे आ रहे हो, इससे आई डोंट थिंक यू विल मेक इट इन टाइम बिफोर योर डेडलाइन। तो फैट लॉस के लिए स्मार्टर होगा कि अगर क्रेविंग आता है तो अल्टीमेटली चॉइस हमारे ही पास है ना, वो फूड आइटम खाए कि ना खाए, बहुत सिंपल बाइनरी आंसर है, तो बस मत खाओ। हम अभी अडल्ट्स हैं, उतना सेल्फ कंट्रोल आई फील लाइक सबके पास होना चाहिए। तो अगर मैं एक और दिन रुकूंगा मुझे खाने को मिलेगा, ऐसे मैं खुद को बताता हूँ। एंड इवन इस पूरे प्रेप में अगर चीट डेज को देखा तो मेरा सिर्फ 1 चीट डे रहा है, दैट वॉज वैलेंटाइंस डे, बस। उसके अलावा मैंने 1 भी चीट मील, फॉर्मल चीट मील कंज्यूम नहीं किया। सो अब हम इस चिकन ब्रेस्ट को प्रेशर कुकर में लगाएंगे। कल हम मुंबई जा रहे हैं, उसकी पैकिंग भी करनी है, और आज हमारे पास डिनर के लिए 1 मील बचा है। सो काफ़ी सक्सेसफुल पीक वीक का 2रा दिन रहा है। ये चिकन ब्रेस्ट मैंने कल बॉईल किया था, तो हम इसे खाएंगे। थोड़े से वेजिटेबल्स बने हैं, बैरली एनी कैलरीज, और बस इसके साथ हमारा आज का डे ऑफ ईटिंग ख़त्म हो जाएगा। वी विल एंड अप एट 1950 to 2000 कैलरीज। अच्छा दिन था। अब कल हमें थोड़ा सा जल्दी ट्रेन करना है, पर हम तभी भी वीडियो शूट करेंगे क्योंकि मुझे डॉक्यूमेंट करना है पीक वीक। सी यू गाइज़।